Hello friends, myself Rachna from JSER Tutor. So in this video, we will be discussing geography paper of board 2022. So let's get started. Firstly, यहाँ पे notes दिए थे जो read out करने थे. क्या थे notes? पहला, all activities या questions are compulsory. Figures to the right indicate full marks. यहाँ से तुम लोग का important question start हो रहे, देखो. For question number 4A, use supplied outline map of India and tie it to your answer book. तो यहाँ पे तुम लोग को क्या बोला है? Question number 4A. क्वेश्चन नंबर 4A मैप वाला, मैप प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन था. उसके लिए क्या करना था? उसके लिए जो आउटलाइन मैप है वो स्कूल वाले या मतलब बोर्ड्स वाले प्रोवाइड करेंगे और उसको आंसर बुक में टाई करना था. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था. सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 है. फॉर क्वेश्चन नंबर 6A, यूज़ द ग्राफ पेपर सप्लाई टू यू एंड अटैच इट टू द सेम आंसर बुक. सेम यहाँ पे भी वही बोला है. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ स्टेंसिल इज अलाउड फॉर ड्राइंग मैप. अगर मैप ड्राइंग करना है तो स्टेंसिल अलाउ है. नेक्स्ट, ड्रॉ नीड डायग्राम्स एंड स्केचेस वेर एवर नेसेसरी. यहाँ पे हर क्वेश्चन के बाद बोला नहीं होगा कि मैप ड्रॉ करो या ये ड्रॉ करो, ठीक है? तो तुम लोग को देखना है कि अगर हाँ इसमें ड्राइंग की ज़रूरत है डायग्राम्स की तो ड्रॉ करना था. नेक्स्ट, आंसर शुड बी रिटन इन ब्लैक और ब्लू इंक ओनली, विच मीन्स ब्लैक या ब्लू पेन सिर्फ. यूज़ ऑफ पेन या पेंसिल, पेंसिल या कलर पेंसिल इज अलाउड फॉर ड्राइंग स्केचेस एंड मैप वर्क. तो मैप वर्क या जो भी मैप वर्क या स्केचेस के लिए पेंसिल या कलर पेंसिल का भी अलाउंस है, ठीक है? नेक्स्ट, आंसर रिटन इन पेंसिल विल नॉट बी कंसिडर. ऑफकोर्स अगर आंसर्स को पेंसिल में लिखा होगा तो उसको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर दोज गिवन एंड राइट द सेंटेंस इन योर ओन आंसर बुक, ठीक है? एमसीक्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ. इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सेकेंड, ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ डैश विंड्स, ट्रेड विंड्स, ट्रेड ईस्टर्न विंड्स. द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ऑफ डैश टाइप, अंडर डेवलप, डेवलप, हाईली डेवलप या डेवलपिंग. डेवलपिंग. ब्राज़ील इज कवर्ड मेनली बाय डैश, प्लेन्स, हाईलैंड्स, माउंटेनियस रीजन, डाइसेक्टेड हिल्स, हाईलैंड्स. नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये बहुत ईजी सा था. मैच दी कॉलम. फील्ड विजिट, फील्ड विजिट के लिए क्या चाहिए? सैम्पल क्वेश्चनरी, सैम्पल क्वेश्चनरी. पीको दे नेबलिना, पीको दे नेबलिना ये नाम से ही पता चल रहा है कुछ ब्राज़ील से रिलेटेड है. तो देखो यहाँ पे जिसको नहीं भी पढ़ा होगा ना, जिसने वो अगर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ किया होगा तो उसको समझ जाएगा कि हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील. मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, अर्बनाइज स्टेट गोवा. इकलौता स्टेट है पूरे एग्जाम्पल में तो गोवा आएगा. रियो दे जानेरो, रियो दे जानेरो एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है? नेक्स्ट, आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज़ द रेन शैडो रीजन इन ब्राज़ील कॉल्ड. द रेन शेड्यूल एक वर्ड में नहीं लिखना था, एक सेंटेंस में लिखना था. क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, 5 में से कोई 4 करने थे. तो व्हाट इज द रेन शेड्यूल रीजन इन ब्राज़ील कॉल्ड? ड्राउट क्वाड्रिलैटरल, ड्राउट क्वाड्रिलैटरल. व्हाट, विच इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राज़ील? फुटबॉल. एरिया वाइज, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? राजस्थान. विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइप? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एट 82.50 डिग्री, ठीक है? विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? सब्सिस्टेंस फार्मिंग. 5 थे, 4 करने थे. क्वेश्चन लिखने का यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लिखना था. नेक्स्ट इज, मार्क द फॉलोइंग आउटलाइन मैप्स अब सप्लाई टू यू, राइट द नेम्स एंड गिव इंडेक्स, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इंडेक्स बनाना था और क्या करना था, ये सारे प्लॉटिंग करने थे, ठीक है? यहाँ पे देखो 6 दिए हुए, 6 में से कितने प्लॉट करने थे? 6 में से कोई 4 प्लॉट करने थे, ठीक है? और हर प्लॉटिंग का 1-1 मार्क्स था. और इंडेक्स अगर ड्रॉ किया तो फुल 4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर इंडेक्स ड्रॉ नहीं किया तो तुम लोग को 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं बोला कि अभी चारों को प्लॉट किया, इंडेक्स का भी मार्क्स कटेगा. हाँ, मार्क्स कटेगा इंडेक्स का, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे प्लॉट होगा. सिक्किम पेज नंबर 10 पे है, मैं बताऊँगी कहाँ पे सिक्किम. लक्षद्वीप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10. चेन्नई पोर्ट पेज नंबर 64. मिनरल ऑयल रिफिनरीज पेज नंबर 10. एनी वन साउदर्न स्टेट इन हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पेज नंबर 30. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 10. तो मेनली सारे पेज नंबर 10 पे अवेलेबल है. मैं पहले पेज नंबर 10 से शो करती हूँ. पेज नंबर 10 पे एक डायग्राम, एक मैप है इंडिया का, देखो यहाँ पे. तो फर्स्ट हम लोग को फाइंड करना था सिक्किम. फर्स्ट हम लोग को कहाँ पे क्या प्लॉट करना था? सिक्किम. तो देखो सिक्किम यहाँ पे, सिक्किम यहाँ पे है. नेक्स्ट हम लोग को प्लॉट करना था लक्षद्वीप आइलैंड. तो यहाँ पे तुम लोग को शायद मेंशन दिख रहा होगा लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है? लक्षद्वीप. नेक्स्ट हम लोग को प्लॉट करना था मिनरल ऑयल रिफिनरीज इन आसाम, विच मीन्स तुम लोग को आसाम के यहाँ पे ही प्लॉट करना था. अभी तुम लोग को आसाम के यहाँ पे ऐसा प्रॉपर नहीं कि दिख भाई यहाँ पे कोई इशू नहीं था. अगर तुम लोग ने आसाम भी प्लॉट किया है, आसाम के यहाँ पे भी, तो भी मार्क्स तुम लोग को मिलेंगे, ठीक है? तुम लोग को अभी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया अगर तुम लोग ने दिग्बोई का, तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेंगे तुम लोग को. नेक्स्ट, एनी वन साउदर्न स्टेट, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो यहाँ पे है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन, ये हम लोग का क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे मैंने कितने प्लॉटिंग्स बता दिए, यहाँ पे मैंने 4 प्लॉटिंग्स बता दिए और 2 प्लॉटिंग बताना है, एक है चेन्नई पोर्ट, एक है एनी वन साउदर्न स्टेट विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये वाला पॉपुलेशन चैप्टर में एनी वन साउदर्न स्टेट, तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन चैप्टर पे आए हम लोग। अभी पॉपुलेशन चैप्टर में हम लोग को क्या प्लॉट करना है, हम लोग को बोला है एनी वन साउदर्न स्टेट, साउदर्न पता है मतलब सदर्न, सदर्न ये पार्ट होता है, ठीक है। तो एनी वन सदर्न स्टेट विच इन विच डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई, तो पॉपुलेशन हाई डेंसिटी, तो यहाँ पे तुम लोग क्या दिख रहा है, तमिलनाडु केरला, ठीक है। तो किसी ने भी तमिलनाडु को प्लॉट किया होगा या केरला को प्लॉट किया तो मार्क्स मिलेंगे। एक लास्ट प्लॉटिंग बचा है, वो लास्ट प्लॉटिंग क्या है, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 64 पर अवेलेबल है, ठीक है। चेन्नई पोर्ट देखो यहाँ पे तुम लोग को शायद दिख रहा हो पोर्ट्स के, ये पूरा मैप पोर्ट्स के बारे में है। तो देखो चेन्नई पोर्ट यहाँ पे, चेन्नई, और यहाँ पे देखो नीचे पोर्ट, होप दिख रहा हो, देखो चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई पोर्ट बनाना था, ये आउटलाइन मैप के लिए 4 मार्क्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B, यहाँ पे एनी 4 करने थे, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ पे मैप देख के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने थे, ठीक है। यहाँ पे भी एनी 4 थे और क्वेश्चंस 5 थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, नेम एनी 2 फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। तो यहाँ पे दो फॉरेस्ट कौन से है, देखो पहला है इक्विटोरियल फॉरेस्ट, पहला कौन सा है, देखो यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स में ही दिख रहा है इक्विटोरियल फॉरेस्ट, एंड नेक्स्ट इज हॉट डेसीडियस फॉरेस्ट, दोनों लिखने थे। नेक्स्ट नेम द आइलैंड शोन ऑन द मैप, सॉरी नेम द आइलैंड शोन इन द मैप। तो यहाँ पे मैप में तुम लोग को आइलैंड शो करना है प्रॉपर, यहाँ पे देखो कलरिंग का शेड प्रॉपर दिख रहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग को मराजो, देखो यहाँ पे मराजो आइलैंड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मराजो आइलैंड लिखना था। इन विच प्लेस डू यू फाइंड क्रोकोडाइल्स, तो देखो क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स यहाँ पे क्रोकोडाइल का मुंह दिख रहा है, ये पंतनल में है। नेक्स्ट वेयर आर टमारिन फाउंड इन ब्राज़ील, तो अमेजॉन रिवर बेसिन में तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग क्या दिखेगा, टमारिन दिख जाएगा। नेक्स्ट नेम द ग्रासलैंड टू द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, तो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील में क्या फाइंड करना है, ग्रासलैंड, क्या फाइंड करना है, ग्रासलैंड। तो साउदर्न मोस्ट पार्ट पे आओ, साउदर्न मोस्ट पार्ट पे देखो यहाँ पे ये कलर सिमिलर है ये कलर को, देख रहे हो ये कलर या ये कलर को शायद, तो साउदर्न मोस्ट में तुम लोग को लिखना था पैम्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव ज्योग्राफिकल रीजंस एनी 2 out of 4, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, 4 में से कोई 2 सॉल्व करने थे। फर्स्ट इज डेसीडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन इंडिया, ये टेक्स्टुअल क्वेश्चन था। इसका मार्क्स कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग को 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एनी टू मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब एक्सपेक्टेड आंसर्स कितना है, 6 to 8 points, ठीक है, 6 to 8 points है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ज्योग्राफी है तो ये भी मतलब 6 points भी कोई कोई क्वेश्चन में नहीं बनते, तो जो क्वेश्चन में 6 points नहीं बन रहे, मतलब तुम लोग ने फिर भी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं लेकिन 6 points नहीं बन रहे तो भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा ऑनवर्ड्स में लिखा चलेगा। तो डेसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन ब्राज़ील, सॉरी। तो यहाँ पे देखो मैं जो आंसर शो कर रही हूँ नवनीत डाइजेस्ट से शो कर रही हूँ, तुम लोग ने अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपने ओन वर्ड से लिखा है, टेक्स्ट बुक का आंसर लिखा है, तो भी मार्क्स ऑफकोर्स मिलने वाले, ठीक है। तो डेसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm to 2000 mm, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स इन इंडिया द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज बिटवीन 1000 mm and 2000 mm। ट्रीज इन डेसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स टू मेंटेन द मिनिमम लेवल ऑफ वाटर, थस इंडिया हैज डेसीडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डेसीडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया और यहाँ पे है इंडिया हैज डेसीडियस फॉरेस्ट, तो आंसर दोनों का सेम ही है, बस क्या चेंज होगा, फॉरेस्ट में वेजिटेशन। अब अगर फॉरेस्ट डेसीडियस टाइप की फॉरेस्ट ग्रो हो रहे इंडिया में तो वेजिटेशन भी क्या होगा, डेसीडियस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे लिखना था इतना, 3 points लिखा, 4 points लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, उसको थोड़ा लेंदी करके लिखना था। 6 to 8 points मैं नहीं बोल सकती अभी, मैं सोच रही थी 8 points होगा, बट 8 points नहीं बन सकता, मेरे को नहीं लग रहा कि ज्योग्राफी के कोई भी आंसर में इतने लेंदी होते हैं, ठीक है, मतलब गिव रीजंस। तो शायद तुम लोग को 4-5 points लिखने थे, ठीक है, 6 points लिखा तो बहुत अच्छा। इको टूरिज्म इज बींग डेवलप मोर इन ब्राज़ील, इको टूरिज्म इज बींग डेवलप मोर इन ब्राज़ील, तो ये वाला टेक्स्टुअल क्वेश्चन था। क्या आंसर, देखो रीजन में क्या है, ये सारे रीजन तुम लोग कौन में लिखे होंगे, सिमिलर तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक से लिखा हो तो भी चलेगा। ड्यू टू वाइट सैंड बीचेस, सैनिक सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड्स, एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, गार्डन्स एंड पार्क्स एक्सेट्रा, टूरिज्म एज इंक्रीज इन ब्राज़ील, इंक्रीज टूरिज्म एंड लीड टू पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज टूरिज्म। देखो यहाँ पे इको टूरिज्म इज बींग डेवलप मोर इन ब्राज़ील, ठीक है, इको टूरिज्म डेवलप हो रहा है,
इसके ऊपर थोड़ा सा टूरिज्म के ऊपर भी मतलब बताया कि टूरिज्म की वजह से पॉल्यूशन, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा, तो तुम लोग को भी ऐसा एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के बढ़ाना था। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज टूरिज्म, प्रमोटिंग टूरिज्म एज वेल एज प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंटल बैलेंस इज इक्वली एसेंशियल, देयरफॉर इको टूरिज्म इज डेवलप मोर इन ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट इज फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये टेक्सटुअल क्वेश्चन नहीं था कि फिशिंग के बारे में क्वेश्चन था, फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम लोग को दो तीन पॉइंट्स बोल रही हूँ, या तो तुम लोग वो पॉइंट्स के हिसाब से लिखे होंगे तो चलेगा, या तो मैं ये आंसर शो करूँ। ठीक है, इसमें से जो तुम लोग को रिलेटेबल पॉइंट्स लगा मैं वो शो कर दूंगी, अगर वैसा कुछ भी लिखा होगा तो भी मार्क्स मिलेगा। तो पहला देखो, अगर तुम लोग ने ओन वर्ड से लिखा है तो ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए थे कि देखो क्वेश्चन इज फिशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फिशिंग इज फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि कोस्टल एरियाज में, देखो मैं ओन वर्ड से तुम लोगों को बता रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, फिर मैं आंसर के ऊपर आऊँगी। तो ये लिखना चाहिए था कि कोस्टल एरियाज में फिशिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पे कोस्टल एरियाज में फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि फिशिंग से ही अर्निंग होता है। ठीक है, मेजॉरिटी किससे होता है, फिशिंग से अर्न होता है और उसको फिर सेल किया जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा लिखना था, नेक्स्ट लिखना था कि डाइट, इंडियंस के डाइट में फिश का बहुत ही मतलब बहुत इंक्लूजन है इंडिया के डाइट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत लिखना था। तो यहाँ पे देखो क्या दिया था, इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिशिंग ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ठीक है, ये नहीं लिखना था, तो हम लोग को पहले थोड़ा सा फीचर देना था कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश बोथ मराइन एंड इनलैंड, फिशिंग प्रोवाइड्स फूडस्टफ इन राइस, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, रेजेस न्यूट्रिएंट्स लेवल एंड हेल्प अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी ओन वर्ड्स में लिखना था तुम लोग को। तो नेक्स्ट इतना लिख के ये लिखते, फिश इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ पीपल फ्रॉम दी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, इतना लिख के इंपॉर्टेंस ऑफ फिश लिखना था। फिर नेक्स्ट मरीन फिशिंग के बारे में दो तीन वर्ड्स, दो तीन लाइंस की मरीन फिशिंग अकाउंट्स फॉर नियरली 40% ऑफ टोटल अकाउंट एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग को बोला है कि फिशिंग कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करता है, ये इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि इतना प्रोडक्शन ऑफ फिश होता है, इससे इतना इनकम जाता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, ये सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेश वाटर फिशिंग, फ्रेश वाटर फिशिंग के बारे में भी लिख लो कि अकाउंट्स नियरली 60% ऑफ टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश। मतलब तुम लोग अगर ये आंसर में कुछ भी फिशिंग के बारे में रिलेटेड लिखते, उसके फीचर्स लिखते, इंपॉर्टेंस लिखते, मरीन फिशिंग के बारे में थोड़ा लिखते और फ्रेश वाटर फिशिंग के बारे में लिखते तो भी मार्क्स मिलेंगे, और इसमें तो आराम से 6 पॉइंट्स बन सकते थे, 6 to 8 पॉइंट्स बन सकते थे नियरली। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर लिमिटेशन ऑन माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राज़ील। मुझे इसके रिलेटेड कोई आंसर ऐसा मिला नहीं प्रॉपर, तो यहाँ पे मैं ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ब्राज़ील के इंटीरियर पार्ट में क्या है, ब्राज़ील का पहले बताता है ऐसा थोड़ा सा, अगर तुम लोग ने एग्जांपल दिया हो कि बाहर पार्ट में बहुत अच्छा माइनिंग हो रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ठीक है, फिर इंटीरियर पार्ट्स में क्या इशू हो रहा है, जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुई होगी ना वो पूरा लिखा होगा पेपर, मतलब ये वाला क्वेश्चन, और जिसको नहीं हुआ होगा उसमें स्किप किया होगा और आगे का लिखा होगा, नो इशू उसमें भी। ठीक है, तो लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि अंदर देखो अमेज़न रिवर बेसिन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटीरियर ऑफ ब्राज़ील में अमेज़न रिवर बेसिन है, अमेज़न रिवर बेसिन में डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट की वजह से वहाँ पे अंदर जाना और उधर मतलब माइनिंग के लिए खोदना ये सब पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को आइडिया भी नहीं कि उसके अंदर मतलब माइनिंग, उसके अंदर कौन से स्टोन्स होंगे, क्या होंगे, करेक्ट, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं ऑन माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ करना था, मैं बार ग्राफ ड्रॉ करना नहीं बता रही हूँ, तुम लोग को ऑफकोर्स पता होगा बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना था 3 मार्क्स के लिए, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, तो 3 मार्क्स के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना था और 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो व्हाट डज द अबव लाइन ग्राफ शो, व्हाट डज द अबव लाइन ग्राफ शो, तो क्या लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है, ऑफकोर्स परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन ब्राज़ील, या तो ये भी लिखना है कि फ्रॉम 1960 टू 2010, तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोग को जितना लेंदी लिखना है, बट इंपॉर्टेंट क्या था, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच डिकेड अर्बनाइजेशन अकर्ड स्लोली, कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन सबसे स्लो गया। देखो तुम लोग देख सकते हो यहाँ से 47 से 56 अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, विच मीन्स समथिंग 9% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, नियरली 9%, यहाँ पे 56 से 66 नियरली 10%, और 66 से 74 नियरली 8%, 74 से 81 ये भी नियरली 7% से ग्रोथ हुआ। ठीक है, नियरली बोल रहे, एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, और 2000 से 2010 के डिकेड में 81 से 84 बहुत कम ग्रोथ हुआ, 3 to 3% का समथिंग ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन सा हुआ है, इन विच डिकेड अर्बनाइजेशन ऑकर्ड स्लोली, इन द डिकेड ऑफ 2000 टू 2010। ठीक है,
What was the percentage of increase in urbanization during the period 1980 to 1990? 1980 से 1990 में, ठीक है, कितना ग्रोथ हुआ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन में कितना ग्रोथ हुआ, किसमें 1980 से 1990 में? तो क्या करोगे, सिंपली 1990 और 1980 को माइनस करो, ठीक है, 74.6 माइनस 66 करोगे तो तुम लोग को आएगा 8.6%, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 8.6% ऑफ इंक्रीज इज इन अर्बनाइजेशन वॉज सीन ड्यूरिंग द ईयर 1980 टू 1990, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको इसके ऑप्शन में था, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन को ऑप्शन में था, ये वाला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो मेरे को लग रहा है मेजरली बच्चे लोग ने यही किया होगा, बिकॉज ये उससे कंपेरेटिव में, कंपेयर में बहुत ईजी था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया था इंडिया का और ब्राज़ील का, पहले ब्राज़ील का दिया था फिर इंडिया का दिया था। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन द ईयर 2016? तो 2016 देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना बता रहे हैं, 68 ईयर्स। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 68 ईयर्स। इन द ईयर 1990 में हाउ मच वॉज एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राज़ील एज कम्पेयर टू इंडिया? तो ब्राज़ील इंडिया से कितना ज़्यादा था, कितना मतलब कितना ब्राज़ील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा था, कौन सी ईयर में, 1990। तो इसका 1990 देखेंगे और इसका 1990 देखेंगे, ब्राज़ील और इंडिया दोनों का। तो ब्राज़ील का था 65, इंडिया का था 58, ब्राज़ील का 65, इंडिया का 58। तो कौन सा बड़ा है, ऑफकोर्स ब्राज़ील, लेकिन ब्राज़ील कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी है उसका, ये पूछा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 65 माइनस 58 कितना होता है, 7 ईयर्स, ठीक है, कितना होता है, 5 + 2 = 7 ईयर्स। तो यहाँ पे 7 ईयर्स का आंसर आएगा। हाउ मच वॉज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1980 इन इंडिया, ड्यूरिंग विच ईयर डू यू फाइंड सेम इन ब्राज़ील? तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की कितनी थी 1980 में, इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 54, ठीक है। अब ये 54 एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्राज़ील में कौन से ईयर में थी, ये पूछा है, ठीक है। और ब्राज़ील में सेम ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 54 वाला कौन से ईयर में दिख रहा है, तो कौन से ईयर में दिख रहा है तुम लोग को 1960 में दिख रहा है, ठीक है। 1960 में तुम लोग को 54 ईयर्स दिख रहा है ब्राज़ील, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शोज एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010 टू 2016? तो 2010 से 2016 की तरफ देखना है और देखना है कि किसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो देखते, देखो 2010 से 2016 ब्राज़ील का 75 है, ठीक है, और इंडिया का है 68, तो किसका है ज़्यादा, ऑफकोर्स ब्राज़ील का। नेक्स्ट, इन विच कंट्री डू यू फाइंड हाई एक्सपेक्टेंसी? देखो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 है और ब्राज़ील का 75 है, तो किसका ज़्यादा हुआ, ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट, बाय हाउ मच वॉज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेसर देन इन द ईयर 1960? तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था 1960 में, बट कितना कम था वो पूछा है। तो 1960 में आते हैं, 1960 में ब्राज़ील का 54 था और इंडिया का था 41, ब्राज़ील का 54 था, इंडिया का 41, तो इंडिया कितना पीछे था लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, 54 माइनस 41 इक्वल्स टू 13, ठीक है, तो 13 ईयर्स पीछे था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, एनी टू, यहाँ पे कोई दो पढ़ने थे और कितने मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, कोई दो करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम ऐसा क्वेश्चन था कि खुद से करो, ठीक है, एकदम खुद का ओन रिस्पॉन्स वाला, मतलब ओन रिस्पॉन्स नहीं बट खुद के ऊपर डिपेंड था, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चंस को। इफ़ यू वेयर ए पार्ट ऑफ फील्ड विजिट, व्हाट प्रिपरेशन वुड यू मेक, प्रिपेयर ए क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फॉरेस्ट? तो मेरे को लग रहा है इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, क्वेश्चनरी का 3 मार्क्स होगा, क्वेश्चनरी क्रिएट करने का 3 मार्क्स, और 1 मार्क्स होगा प्रिपरेशन बताने के लिए, ठीक है, 1 मार्क्स प्रिपरेशन का होगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, फर्स्ट है व्हाट इफ यू वेयर अ पार्ट ऑफ फील्ड विजिट, व्हाट प्रिपरेशन वुड यू मेक, पहले प्रिपरेशन कौन सा बनाते हैं अगर तुम लोग फील्ड विजिट में, तुम लोग जा रहे होते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, या तो ये 1 मार्क्स का होगा या तो ये 2 मार्क्स का, मेरे को मेजरली लग रहा है ये 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फॉरेस्ट, ये 3 मार्क्स का हो सकता है, ये कितने मार्क्स का हो सकता है, ये 3 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का है तो एक्सपेक्टेड 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन अगर बनाया होगा या 6 बनाया हो तो बहुत अच्छा, हाफ हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन अगर बनाया होगा और थोड़ा सा इसके बारे में प्रिपरेशन के बारे में बताया होगा तो मार्क्स फुल मिलेंगे, 4 out of 4। अब देखो क्वेश्चनरीज में
क्या क्या पूछ सकते हो तुम लोग. पहला कि कौन से एनिमल्स, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर सीन इन दिस फॉरेस्ट. ठीक है, क्वेश्चनरी में क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर सीन इन दिस फॉरेस्ट. और हो सकता है व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड व्हाइल विजिटिंग द फॉरेस्ट. ऐसे कौन से फैसिलिटीज़ है, मतलब तुम लोग जो विजिटर्स है उन लोगों को, टूरिस्ट तो नहीं बोल सकते बट विजिटर्स है जो, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, गाइड देते हो, फॉरेस्ट गाइड देते हो, क्या क्या प्रोवाइड करते हो, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट सेफ्टी मेजर डू यू अडॉप्ट फॉर विजिटर्स. जो विजिटर्स आते हैं अगर उनको कुछ इशू हुआ या कुछ प्रॉब्लम एनिमल्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे लग गया, तो क्या सेफ्टी मेजर्स तुम लोग अडॉप्ट करते हो, क्योंकि वो फॉरेस्ट में कोई तो होगा जो वो फॉरेस्ट को संभाल रहा होगा, राइट. तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पूछ सकते हो कि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स क्या है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वराइटीज ऑफ स्पीशीज़. देखो प्लांट्स के वराइटीज़ पूछ सकते हो पहले तो, और एक क्वेश्चन में कि व्हाट आर द वराइटीज़ या स्पीशीज़, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर इन दिस फॉरेस्ट. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो. ये क्वेश्चन कर सकते हो कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर लिविंग करेंटली इन दिस फॉरेस्ट. या ये क्वेश्चन भी कर सकते हो हाउ मेनी बर्ड्स, या नंबर, व्हाट आर द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर लिविंग इन दिस फॉरेस्ट. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट, ये फॉरेस्ट के क्वेश्चन, ये नॉर्मली जनरली पूछ सकते हो कि फॉरेस्ट कब बना था, या फॉरेस्ट को किसने और कितना ग्रोथ हुआ है फॉरेस्ट पर्टिकुलर ईयर में, कि 2000 में इतना था, इतना 200 स्क्वायर मीटर था, सपोज हाँ, इमेजिन, मैं समझाने के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ तुम लोगों को, इतना था, 1 acre था, तो अभी तक कितना ग्रो हुआ है फॉरेस्ट. ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने तुम लोगों को नॉर्मली अभी मेरे को लग रहा है 8-9 क्वेश्चन तुम लोगों को बता दिए. ठीक है, या तुम लोगों को ये भी पूछ सकते हो कि क्या विजिटर्स को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है घूमने के लिए, जैसे कि कोई राइड्स प्रोवाइड हो रही है क्या फॉरेस्ट घूमने के लिए. ऐसे प्रोवाइड करते कि पालतू एलिफेंट रखते हैं, पालतू एनिफल डोमेस्टिक एलिफेंट रखते हैं ताकि वहाँ पे विजिटर्स बैठ के घूम सकते हैं. क्या यहाँ पे नाइट स्पेंड करना सेफ है क्या, ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो ये तो तुम लोग का मैंने जो बताया ये 3 marks के लिए परफेक्ट है. ठीक है, इतने में से अगर तुम लोग ने 6 questions भी लिखा, तो समझ जाओ तुम लोग के फुल मार्क्स पक्के. ठीक है, अभी तुम लोग को प्रिपरेशन में क्या क्या करना है. तुम लोग को देखो 1-2 questions दिए थे, राइट. सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट प्रिपरेशन वुड यू मेक, तो क्या प्रिपरेशन बनाओगे तुम लोग. तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन का एक आंसर है मेरे पास. ठीक है, तो प्रिपरेशन में तुम लोग इसको शॉर्ट में लिखोगे, जो भी मैं बता रही हूँ उसको शॉर्ट में लिखना था, जो भी अगर लिखा होगा उसको शॉर्ट में. पहले तो तुम लोग प्लेस डिसाइड करोगे प्रिपरेशन के लिए, इसको सब सेंटेंस में खुद से फ्रेम करना है कि फर्स्ट वी विल डिसाइड द प्लेस. ठीक है, डिसाइड द प्लेस, फिर डिसाइड द पर्पस, फिर कलेक्ट ऑब्टेन कलेक्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, उसमें जाने के लिए हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है. ठीक है, और प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरी. क्वेश्चनरी तो हम लोग ने प्रिपेयर कर दिया, और ये 3 क्या लिखने थे तुम लोग को, प्रिपेरेशन, अपने प्रिपेरेशन की तुम लोग क्या क्या प्रिपेयर करोगे फील्ड विजिट जाने से पहले. ठीक है, ये हो गया. सेकेंड क्वेश्चन वॉज कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, इंडिया और ब्राज़ील के क्लाइमेट कंपेरिजन था. 4 marks का था. एक्सपेक्टेड पॉइंट्स कितने हैं, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है 8 points. ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को आराम से 8 points बन जाएगा, ऐसा नहीं कि 8 points नहीं बनेंगे, आराम से तुम लोग को 8 points बन जाएगा. कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, 8 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखा तो भी कोई इशू नहीं है. ठीक है, कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. तो यहाँ पे ब्राज़ील का क्लाइमेट देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन करना है. ठीक है, दोनों का क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन करना है. तो स्टार्ट करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील इंडिया एंड इंडिया कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. तो पहले ये मैंने पहले भी बोला तुम लोगों को, डिट्टो नहीं लिखना था, ओन वर्ड से लिखा है, पॉइंट्स कवर किया, मार्क्स मिलेंगे ऑफकोर्स. ब्राज़ील क्लाइमेट इज ऑफ ट्रॉपिकल टाइप, ऑन द अदर हैंड मनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन इंडिया. ठीक है, ये तो 1 point हो गया. ब्राज़ील, अब देखो तुम लोग अगर ऐसे इसको बता रहे हो ना, जैसे कि डिस्टिंग्विश में लिखा है इसको, सपोज कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, और तुम लोग ने डिस्टिंग्विश में लिखा क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो चांसेस नहीं है कि तुम लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे. बट मेरे को नहीं लगता कोई टीचर, तुम लोग ने सारे पॉइंट्स कवर करके अगर कंपेरिजन किया है ब्राज़ील और इंडिया का डिस्टिंग्विश स्टाइल में, तो टीचर मार्क्स देंगी, बट मेरे को डाउट है कि फुल मार्क्स देंगी कि नहीं. ठीक है, बिकॉज तुम लोग आंसर्स अगर देखो किसी में भी, तो कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया पॉइंट वाइज में लिखना था. ठीक है, तो टीचर शायद 1 marks काट सकती है. ठीक है, बट अगर मार्क्स 0 नहीं मिलेगा, या मार्क्स टीचर ज़्यादा नहीं काटेगी, 1 marks काट सकती है, उससे ज़्यादा नहीं काटेगी. ठीक है, नेक्स्ट द क्लाइमेट्स ऑफ, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील इज ऑफ ट्रॉपिकल टाइप, और इंडिया में मनसून टाइप ऑफ ब्राज़ील इज अवेलेबल. नेक्स्ट, इन ब्राज़ील द टेम्परेचर इज कंपेरेटिव हायर इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड लोअर इन द साउदर्न पार्ट. ठीक है, ये ब्राज़ील का हो गया. नेक्स्ट, अभी हम लोग को किसका, इंडिया का भी बताना पड़ेगा. ठीक है, सो इन इंडिया, ऑन द अदर हैंड इन इंडिया द टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली लोअर इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड हायर इन द सदर्न पार्ट. ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया.
नेक्स्ट, इन ब्राज़ील द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कंपेरेटिवली हायर इन द नॉर्दर्न पार्ट. रेनफॉल हाई है किस कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट में, और सदर्न पार्ट में लोअर है. और इंडिया की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कंपेरेटिवली लोअर इन नॉर्दर्न पार्ट. यहाँ पे हायर था, यहाँ पे लोअर है, एंड कंपेरेटिवली हायर इन द सदर्न पार्ट. इन ब्राज़ील माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फाउंड नियर द कोस्टल रीजन. ऑन द अदर हैंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फाउंड इन द कोस्टल रीजन. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे चार ही पॉइंट्स है. बट अगर तुम लोग यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मैंने क्या बोला था, 8 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड है, राइट. तो अगर तुम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इंडिया और ब्राज़ील में, इंडिया के बारे में बोलोगे फिर ब्राज़ील के बारे में बोलोगे, तो 8 पॉइंट्स तो आराम से बन रहे. ठीक है, और थोड़ा अपने ओन वर्ड्स क्लाइमेट के बारे में लिखोगे तो 10 पॉइंट्स बन जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. सो ये जो क्वेश्चन है तुम लोग का लास्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, लास्ट पेपर, इसके बाद 10th का कोई पेपर नहीं है. तो 10th का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला जिसने लिखा होगा, मतलब पेपर लिखने के टाइम वही सोचा होगा कि ये लास्ट पेपर है, फिर लिखना नहीं है पेपर. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ये टेक्सुअल क्वेश्चन था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. यहाँ पे भी मैंने सेम बोला था 7 to 8 पॉइंट्स लिखने हैं. तुम लोग ने अगर देखो 6 पॉइंट्स भी लिखे तो भी टीचर मार्क्स देंगी, बट उसमें मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए थे. ठीक है, तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर एज फॉलोज. अ फ्लैट लो लाइंग एरिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडिया. दिस रीजन इज नोन एज द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स. ठीक है, जो रीजन कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया के लो लाइंग एरिया में, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालयन माउंटेन. अब देखो यहाँ पे बताया कि नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ है, लाई इन द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पंजाब. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पंजाब टू, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, टू द वेस्ट इन आसाम इन द ईस्ट. ठीक है, राजस्थान से पंजाब तक और फिर आसाम तक भी एक्सटेंड हो रहे हैं. नेक्स्ट, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इन टू 3 पार्ट्स. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स किस में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द लो लाइंग एरिया इन द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज नोन एज द गंगा प्लेन्स. इट्स स्लोप्स टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ स्लोप हो रहा है. नेक्स्ट, द डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स एक्सटेंड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. दिस रीजन इज नोन एज सुंदरवंस. सुंदरवंस इज द लार्जेस्ट डेल्टा रीजन इन द वर्ल्ड. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाई डेजर्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थाली. द स्टेट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाई थार डेजर्ट. द प्लेन्स ऑफ पंजाब लाइज इन द नॉर्थ ऑफ थार डेजर्ट. इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लेन्स ऑफ पंजाब स्लोप्स टू द वेस्ट. इट हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, देयरफॉर एग्रीकल्चर इज हाईली डेवलप्ड इन दिस रीजन. इसके बाद तुम लोग ये भी लिख सकते थे, देयरफॉर अबव आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ठीक है, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक पॉइंट में डाइजेस्ट अगर तुम लोग रिफर कर रहे हो तो एक पॉइंट में तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा हो कि एक पॉइंट में ही 2-3 पॉइंट्स दे देते, जैसे कि यहाँ पे समथिंग 2 या 3 पॉइंट दे दिए हैं. ठीक है, तो तुम लोग को 8 पॉइंट्स लिखने थे. अगर तुम लोग ऐसे पॉइंट्स प्रिफर करो, ऐसे पॉइंट्स लिख रहे हो, तो 6 पॉइंट लिखा तो इनफ है. ठीक है, 6 पॉइंट भी बहुत है, क्योंकि उसमें ही 7-8-9 पॉइंट्स तो क्रिएट हो ही जाते हैं. ठीक है, तो तुम लोग का लास्ट पेपर था, लास्ट क्वेश्चन, होप्स ईजी गया होगा पेपर, क्योंकि ये पेपर कंपैरेटिवली ज्योग्राफी इजी ही रहा होगा सबसे, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्टिव्स ही ज़्यादा थे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ज्योग्राफी का पूरा रिव्यू कंप्लीट किया.